हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1-6 आज हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इन गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। बच्चों आप देख सकते हो फिगर आपके सामने है, ए बी एंड सी डी ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है जो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल एओसी, एंगल एओसी देखिए ये वाला एंगल है, एंड एंगल बीओई, बीओई देखिए आपका ये वाला एंगल है, और इन दोनों एंगल का सम जो है वो 70 डिग्री आपका गिवन है। BOD 40 डिग्री गिवन है। एंगल BOD ये देखिए ये वाला एंगल जो है ये आपका 40 डिग्री गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड एंगल BOE, BOE आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। बच्चों ध्यान से देखिए कि COE का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, तो COE आपका ये वाला एंगल है, ये आपका COE है और रिफ्लेक्स कहा गया है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये बाहर वाला जो एंगल है यहां से इस तरह से ये बाहर वाला एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो ध्यान से देखिए इसके सॉल्यूशन करने के लिए कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चों, यहां पर राइट कर लीजिए कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB स्ट्रेट लाइन है। और जब AOB स्ट्रेट लाइन है तो देखिए एंगल AOC, एंगल COE एंड एंगल BOE ये तीनों एंगल जो है इसी स्ट्रेट लाइन पर है। बच्चों आप ध्यान से देख लीजिए, एंगल ये और एंगल यहां पर है और एंगल ये, थ्री एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वल होगा। और स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो आप यहां पर इस तरह से राइट कर लीजिए कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, सो इन तीनों एंगल्स का सम आपका कितना हो गया, 180 डिग्री है। आप यहां पर रीजन एज अ लीनियर पेयर भी दे सकते हो क्योंकि ये भी एक लिनियर पेयर ही बनाता है, और लिनियर पेयर के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और उस वीडियो को देखने के बाद ही अगर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए एंगल एओसी एंड प्लस एंगल बीओई, यहाँ पर ध्यान से देखिए एंगल एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री गिवन है। तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, एओसी प्लस एंगल बीओई एंड प्लस सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों एंगल एओसी एंड एंगल बीओई इन दोनों का सम 70 डिग्री तो गिवन है, तो आप यहां पर 70 डिग्री राइट कर सकते हो, प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड माइनस 70 डिग्री, इसको माइनस कर लीजिए तो 110 डिग्री। तो COE देखिए यहां पर COE ये आपका 110 डिग्री मिलेगा, बट फाइंड आउट करना हम लोग को रिफ्लेक्स एंगल, सो राइट रिफ्लेक्स एंगल COE। और आप जानते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री से माइनस करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, और इसको माइनस कर लीजिए तो 60 में 10 तो 50 डिग्री, एंड 300 में 100 तो 250 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल बच्चों आपको यहां पर ये आंसर मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल बीओई। अब बीओई देखिए आपका ये है, ठीक
ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि COD, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि COD भी एक हम लोग का लाइन ही है। सो इन तीनों का सम भी आपका जो है 180 डिग्री होगा, या फिर इन दोनों का सम आपका 70 डिग्री गिवन है और ये 110 डिग्री गिवन है, तो आप यहाँ भी दे सकते हो। AOB अगेन राइट करके भी आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मैं COD लेके आपको बता रहा हूं। तो यहां पर राइट कर लीजिए, COD इज अ स्ट्रेट लाइन, सो वी कैन राइट 110 डिग्री, देखिए एंगल, ये वाला एंगल 110 डिग्री प्लस BOE, राइट डाउन एंगल BOE एंड प्लस 40 डिग्री, यहां पर 40 डिग्री आप राइट कर लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन आप स्ट्रेट लाइन से भी दे सकते हो और यहां पर लीनियर पेयर से भी आपका हो जाएगा। सो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, BOE प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फाइनली आपको एंगल BOE इज इक्वल टू क्या मिलेगा 180 एंड माइनस 150 डिग्री। देखिए बच्चों, ये आपका ट्रांसफर होगा LHS से RHS की ओर, सो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा 30 डिग्री, तो एंगल BOE आपको कितना मिल गया, ये आपको मिला 30 डिग्री। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन गिवन फिगर, आप फिगर को देख सकते हो बच्चों, लाइंस XY, देखिए ये लाइन XY है, एक स्ट्रेट लाइन है एंड MN इंटरसेक्ट एट O, और ये MN एक लाइन है, ये दोनों लाइन O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। गिवन है बच्चों कि POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ध्यान से देखिए POY ये आपके 90 डिग्री गिवन है एंड A:B इज इक्वल टू 2:3 गिवन है, ये रेशियो में गिवन है आपका कि इन दोनों एंगल्स का रेशियो 2:3 है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है एंगल C, दैट मींस XON हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो गिवन जो है, सबसे पहले आप इसको राइट कर लीजिए सॉल्यूशन करने के लिए। गिवन क्या है कि POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बच्चों इन दोनों का रेशियो 2:3 है, सो एंगल A का वैल्यू आप इस तरह से राइट कर लीजिए 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। आपको इसमें क्या करना है, यहां पर राइट कर लीजिएगा लेट करके, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। आप ध्यान से देखिए, XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, XOY जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां राइट कर लीजिए XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, सो बाय द लीनियर पेयर वी कैन राइट दिस एंगल प्लस दिस एंगल एंड प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इस तरह से राइट कर लीजिए B प्लस A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहां B का वैल्यू हम लोग 3x फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं, सो राइट डाउन 3x, A का वैल्यू 2x है, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड माइनस 90 डिग्री, ये आपका ट्रांसफर हो गया लेफ्ट से राइट की ओर। इन दोनों का ऐड करने से हम लोगों को 5x मिलेगा और इसको माइनस करने से हम लोगों को 90 डिग्री मिलेगा बच्चों। x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, तो 18 5 90 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 18 डिग्री आपको यहां पर वैल्यू मिला। बट एंगल A का वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लीजिए, A इज इक्वल टू 2 × 18 डिग्री, 18 × 36 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 3x, सो 3 × 18 डिग्री, सो फाइनली द एंगल B इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो A और B का वैल्यू आपने तो फाइंड आउट कर लिया, बट
हम लोग को फाइंड आउट करना है बच्चों एंगल सी, और एंगल सी हम लोग का एक्स ओ एन है, हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया। तो आप बहुत इजी से फाइंड आउट कर सकते हो एंगल सी। एंगल सी को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बच्चों, हम लोग राइट कर सकते हैं एक्स ओ एन, और एंगल सी एक्स ओ एन जो है वो इक्वल है एंगल एम ओ वाई। रीजन आप कह दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, आपको याद रखना है वी फोर वर्टिकली, ओ फोर अपोजिट, ए फोर एंगल, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारा हम लोगों ने टॉपिक को अच्छा से पढ़ा है। सो मैं अगेन आपको आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर उस वीडियो को देखिए और फिर इस एक्सरसाइज के वीडियो को आप कंप्लीट समझ पाएंगे। सो एंगल एम ओ वाई, ये देखिए ये पूरा एंगल जो है इस एंगल का क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गया। और एम ओ वाई को मैं क्या राइट कर सकता हूं बच्चों, एंगल एम ओ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर एंगल एम ओ वाई हो जाएगा ए प्लस 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, और एंगल ए का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है 36 डिग्री। राइट देख लीजिए 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और इसको ऐड कर लीजिए 6 और 9 3 12 126 डिग्री। आपको किसका वैल्यू निकला, सी का वैल्यू निकला, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितना इजी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, इन गिवन फिगर, फिगर आपके सामने है एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर बच्चों इस एंगल के बारे में कहा जा रहा है इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू देखिए इस एंगल के बारे में कहा जा रहा है कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। देन वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू एस, पी क्यू एस देखिए ये वाला एक्सटेरियर एंगल हम लोगों का, एंड इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये एक्सटेरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, और हम लोग को प्रूव करना है कि ये दोनों एक्सटेरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए इसके सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे बच्चों। सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए कि पी क्यू ये जो रे है आपका, ये एक स्ट्रेट लाइन एस क्यू आर टी, दैट मीन्स एस टी जो हम लोग का आप लाइन देख रहे हैं इस पर स्टैंड है। तो आप यहां पर राइट कर लीजिए रे क्यू पी स्टैंड ऑन द लाइन एस टी। ठीक है बच्चों, एस से टी जो आप लाइन देख रहे हैं इस लाइन पर हम लोग का ये रे क्यू पी स्टैंड है। सो बाय द लीनियर पेयर सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इस तरह से राइट कर लीजिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन आप यहां पर राइट कर दीजिएगा लीनियर पेयर, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिएगा। नाउ अगेन सिमिलर प्रोसेस यहां पर रिपीट कीजिएगा कि रे ये जो आप देख रहे हैं पी आर, ये पी आर रे भी जो है वो एस टी लाइन पर ही स्टैंड करता है। सो आप अगेन राइट कर सकते हो रे पी आर स्टैंड ऑन द लाइन एस टी। सो आप इसको भी लीनियर पेयर से राइट कर सकते हो पी आर टी एंड प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन बाय लीनियर पेयर।
एंड इसको आपको इक्वेशन नंबर टू लेना है। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व स्टूडेंट, आरएचएस आपका सेम है और आरएचएस अगर सेम है तो ऑब्वियसली एलएचएस भी सेम होगा। सो वी कैन राइट फ्रॉम वन एंड टू, आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब बच्चों आपको क्या करना है, पी क्यू एस प्लस ये जो पी क्यू आर आप देख रहे हो, इस पी क्यू आर आपका गिवन है कि पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है। सो पी क्यू आर को आप रिप्लेस कर लीजिए पी आर क्यू में और यहां पर जो आर एच एस है उसको एज इट इज राइट कर लीजिए, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। यहां पर रीजन राइट कर लीजिएगा गिवेन पी क्यू आर पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये आप यहां पर राइट कर लीजिएगा। तो आप ध्यान से देखिए पी आर क्यू पी आर क्यू दोनों में आपका क्या है, सिमिलर है। सो पी आर क्यू यहां पर से कैंसिल आउट कर लीजिए, तो लेफ्ट एंगल्स एल एच एस एंगल पी क्यू एस एंड देन इक्वल टू आर एच एस का लेफ्ट आपका एंगल है एंगल पी आर टी। तो देखिए फाइनली हम लोग को ये मिला कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी और ये हम लोगों को यहां पर प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो देखिए कितना इजी से आप इसको प्रूव कर सकते हो, सारे स्टेप्स को केवल आपको ध्यान से समझना है तो बहुत ही इजी से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो आई होप आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और दिमाग में आपका बैठ गया होगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, इन गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, फिगर आपके सामने है x प्लस वाई दिस एंगल एंड प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपके गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB ये जो आप देख रहे हैं ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, आपको प्रूव करना है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए इन सभी एंगल्स को अगर आप सम करते हो तो ये एक कंप्लीट एंगल बनाता है और कंप्लीट एंगल के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छा से समझाया था, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहां पर राइट कर लीजिए गिवेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपका गिवेन है बच्चों। और फिर आप यहां पर इस तरह से राइट कर लीजिए कि एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, रीजन आप कह दीजिएगा कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप यहां पर ध्यान से देख सकते हो कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है। सो ये जो x प्लस वाई है आप यहां पर w प्लस जेड यहां पर राइट कर सकते हो और w प्लस जेड को आप एज इट इज राइट कर लिए, सो 2w हो जाएगा और 2z हो जाएगा बच्चों। यहां पर 2 कॉमन आप निकाल लीजिए तो w प्लस जेड 360 डिग्री, डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं यहां पर कि W एंड प्लस जेड ये आपका लीनियर पेयर है, सो AOB एक लाइन हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या राइट करेंगे बच्चों, यहां पर राइट करेंगे W प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री और आप यहां पर फिगर में देख सकते हो W क्या है BOD एंगल है और Z आपका AOD है और ये दोनों एंगल आपका क्या है एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल्स का सम जब 180 डिग्री हो
तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों आपका क्या है, नन कॉमन नाम्स है और ये आपका कॉमन नाम्स है। सो आप यहां पर राइट कर लीजिए कि ए ओ बी इज अ लाइन, ये लाइन है तभी तो 180 डिग्री बना रहा है ना। सो आप ए ओ बी इज अ लाइन इस तरह से प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है बच्चों, रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। तो ये आपका जब परपेंडिकुलर है तो देख सकते हैं कि ये आपका 90 डिग्री गिवन है एंड पी ओ आर इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। आप यहां पर राइट कर लीजिए गिवन एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री इधर होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। एंड ओ एस इज अनदर रे, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू आर ओ एस, ये वाला एंगल हम लोग को प्रूव करना है बच्चों, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये पूरा एंगल माइनस एंगल पी ओ एस ये वाला एंगल। तो देखिए इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, बहुत ही इजी स्टेप से हम लोग इसको प्रूव करेंगे, बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिएगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि क्यू ओ एस और पी ओ आर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, क्यू ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस, ये देखिए ये वाला एंगल है क्यू ओ एस, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्यू ओ आर और आर ओ एस, इन दोनों का सम आपका क्यू एस होगा। तो आप यहां पर राइट कर लीजिए क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए एंड पी ओ आर, ध्यान से देखिए पी ओ आर ये वाला एंगल, तो इन दोनों का सम होगा। सो आप यहां पर अगेन राइट कर लीजिए पी ओ एस, पी ओ एस एंड प्लस एंगल आर ओ एस, आर ओ एस इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लीजिए। अब क्या कीजिए, आप इन दोनों का ऐड कर लीजिए, एडिंग 1 एंड 2, क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ आर, देखिए एल एच एस को एल एच एस के साथ, आर एच एस को आर एच एस के साथ, इक्वल टू इन दोनों का ऐड कीजिए क्यू ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस एंड प्लस, देखिए ये दोनों सिमिलर है सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस आप राइट कर सकते हो। क्यू ओ एस, ध्यान से देखिए क्यू ओ एस, क्यू एस तो हम लोग को यहां पर लाना है, सो आप क्यू ओ एस को एज इट इज राइज कीजिएगा, पी ओ आर, पी ओ आर आप 90 डिग्री राइट कर सकते हो यहां से 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू ओ आर, क्यू ओ आर भी आपका 90 डिग्री गिवन है, आप इसको भी 90 डिग्री राइट कर लीजिए, प्लस पी ओ एस एज इट इज राइट करना है एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस। तो ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री तो आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एल एच एस आर एच एस में है और बोथ का साइन सेम है, तो राइट कीजिए क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ एस प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस। अब पी ओ एस को आप राइट से लेफ्ट की ओर ट्रांसफर कर लीजिए, तो क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस। अब ध्यान से आप देखिए कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, ये 2 इज अ ट्रांसफर होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और देखिए यही हम लोग को प्रूफ करना था, सो ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए इतना इजी स्टेप से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, केवल आपको 2 स्टेप याद रखना है,
बच्चों आपको क्या करना है, पहले क्यू ओ एस निकालना है। देखिए क्यू ओ एस आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों का सम, और फिर आपको फाइंड आउट करना है पीओ आर, ये देखिए ये पीओ आर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों को आपको एड कर देना है, फाइनली आपको ये आंसर जल्दी से मिल जाएगा। सो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं बनाना है, आपको दो स्टेप केवल याद रखना है, ये नंबर वन और नंबर टू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको फिगर इसमें ड्रॉ करना है बच्चों, तो आप यहां पर ध्यान से देखिए कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री है, तो आप सबसे पहले इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और 64 डिग्री 90 डिग्री तक का स्टेट होता है, तो 64 डिग्री इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए कि देखिए ये आपका 64 डिग्री है एक्स वाई जेड। देखिए मिडिल में आपका वाई है, सो आप यहां पर वाई राइट कीजिएगा, और आप यहां भी एक्स दे सकते हो और यहां भी दे सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। ये एक्स वाई ये जेड आपका गिवन है 64 डिग्री। नाउ एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, अब देखिए कहा जा रहा है कि इस एक्स वाई को हम लोग को प्रोड्यूस करना है पी तक, तो आप इसको प्रोड्यूस कर लीजिए इस तरह से, हम लोगों ने इस तरह से प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हम लोगों ने अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से हम लोगों ने ये फिगर ड्रॉ किया। इफ रे वाई क्यू, वाई तो यहां है, क्यू तो है नहीं, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी देखिए ये वाला जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करने का रहा है, तो जब आप बाइसेक्ट कीजिएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूं कलर चेंज करके, देखिए ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो जब भी ये रे वाई क्यू इस एंगल का बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियो में भी बाइसेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, तो यहां पर देखिए ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो एंगल्स को इक्वल डिवाइड करते हैं, तो रे वाई क्यू जो है इन दोनों को इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं, मींस यहां पर अगर x डिग्री है तो यहां पर भी x डिग्री ही होगा। फाइंड एक्स वाई क्यू, हम लोग को फाइंड करना है बच्चों एक्स वाई क्यू, देखिए ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी देखिए ये क्यू वाई पी ये वाला एंगल है, बट हम लोग को रिफ्लेक्स निकालना है, सो हम लोग को ये जो बाहर वाला एंगल है, ये जो आप देख रहे हैं बाहर वाला एंगल, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे हम लोग बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए ये जो रे वाई जेड है ये आपका फिगर के अकॉर्डिंग इस लाइन पी वाई एक्स पर स्टैंड है, तो आप यहां राइट कर लीजिए रे वाई जेड स्टैंड ऑन द लाइन पी वाई एक्स, तो आप बाय लिनियर पेयर यूज करिएगा बच्चों, एंगल पी वाई जेड एंड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन यहां पर राइट कर लीजिएगा बाय लिनियर पेयर, एंगल पी वाई जेड एज इट इज राइट करना है, और एक्स वाई जेड आपका 64 डिग्री गिवन है, सो राइट डाउन 64 डिग्री एंड आर एच एस 180 डिग्री, पी वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको ट्रांसफर कीजिए 180 माइनस 64 और इसको माइनस कर लीजिए, तो रिजल्ट आपको मिलेगा 116 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 116 डिग्री। अब बच्चों ध्यान से देखिए पी वाई जेड आपका ये पूरा एंगल जो है वो आपको 116 डिग्री मिला, और यहां पर राइट किया हुआ है कि रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी,
यहां पर इस तरह से आप राइट कर लीजिए, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। और मैंने अभी बताया था कि अगर बाइसेक्टर है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो आप इस तरह से राइट कर सकते हो कि एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से समझिए कि पी वाई जेड या जेड वाई पी जो भी आप राइट कीजिएगा, जेड वाई पी इस एंगल को मैं इस तरह से बोल सकता हूं बच्चों, अगर इसको एक्स डिग्री ले लिया तो ये भी तो एक्स डिग्री होगा ना, तो जेड वाई पी को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बच्चों, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री मैं राइट कर सकता हूं। तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2x डिग्री आएगा, तो x डिग्री का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी आएगा। और यही x डिग्री मेरा क्या है, या तो पी वाई क्यू बोलिए या फिर जेड वाई क्यू बोलिए, क्योंकि इक्वल है सो आप किसी को भी बोल सकते हैं। मैंने इसको लिया क्योंकि यहां पर हम लोगों को क्यू वाई पी फाइंड आउट करने हैं, तो यहां पर इसका यूज यहां पर किया हम लोगों ने। अब आप पी वाई जेड का वैल्यू तो ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हो 116 डिग्री, सो राइट डाउन 1/2 इनटू 116 डिग्री, और इसको कैंसिल आउट करने से बच्चों हम लोग को मिलेगा 58 डिग्री, ये 58 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी वाई क्यू, पी वाई क्यू देखिए ये वाला ये जो एंगल है ये आपका मिला 58 डिग्री, बट आपको तो रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, तो रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 360 से माइनस करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने इस तरह से किया था, 360 से हम लोग माइनस करेंगे, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, माइनस करने से हम लोग को मिलेगा 302 डिग्री, और ये 302 डिग्री आपका आंसर है, राइट बच्चों। अब एक और एंगल है जिसको फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, देखिए एक्स वाई क्यू ये फाइंड आउट करना है, तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू आप क्या राइट कर सकते हो, 64 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, 64 डिग्री एंड प्लस एक्स डिग्री, और एक्स मेरा क्या है क्यू वाई जेड, तो आप यहां पर क्यू वाई जेड राइट कर सकते हो, एक्स भी राइट कर सकते हो, 64 डिग्री और क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू जो भी है वो हम लोगों ने निकाला 116 डिग्री, ठीक है। एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 58 डिग्री हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, सो 58 डिग्री, और इन दोनों को आप सम कर लीजिए तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 122 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, राइट बच्चों। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ये पूरा सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर प्रेस कर दीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।